सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, खास मुलाकात कार्यक्रम में तमाम दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि हम लगातार आपको किसी न किसी शख्स से मुलाकात करते हैं, आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर शिशिर कुमार सिन्हा। इनके बारे में बता दें कि यह दिल्ली में दिलसाद गार्डन के गुरु तेग बहादुर मेमोरियल हॉल में जनरल फिजिशियन पर कार्य कर रहे थे। चूँकि इनका मदर कह सकते हैं कि यहाँ पर इनका नेटिव प्लेस है, तो इन्होंने डाल्टनगंज आकर अब सेवा देने का जो है फैसला लिया है। अभी फ़िलहाल ये गंगा अस्पताल जो पांकी रोड स्थित है, नया जो नया अस्पताल है, यह कह सकते हैं कि हर सुविधाओं से सुसज्जित ये अस्पताल है, वहाँ ये पहुँचे हैं और लगातार लोगों की जांच कर रहे हैं। सबसे पहले तो सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये बताइए कि एक दिल्ली जैसे शहर में छोड़ करके डाल्टनगंज में आना कितना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मेरा नेटिव प्लेस है। शुरू से ही यहाँ पर रहे हैं, पढ़ाई वगैरह करने के लिए बाहर गए थे, लेकिन बाहर पढ़ाई कर यहाँ आकर अपने लोगों का सेवा करने में कुछ अलग ही मज़ा जैसा आता है। मतलब अच्छा लगता है अपने लोगों के साथ मिलना घुलना। बाहर जैसे मैंने अपनी पढ़ाई कर्नाटका से की, वहाँ पर काफ़ी अलग टाइप का एनवायरनमेंट था, काफ़ी अलग लगता था, लेकिन अपने लोगों के साथ जब घुल मिलकर अच्छे से बात कर उनका उपचार करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। एक कह सकते हैं कि डाल्टनगंज में चूँकि पढ़ाई लिखाई आपकी हुई, तो यहाँ तो इसमें एक लगता है कि कहीं ना कहीं से मिट्टी से खुशबू आ रही होगी इस मिट्टी में। क्या बोले कि दिल्ली जैसे वातावरण, एक बहुत हाई फाई सोसाइटी छोड़ करके यहाँ आना, कहीं कहीं कुछ टीस नहीं ना रहता है मन में? नहीं नहीं, कोई भी एकदम भी थोड़ा सा भी ऐसा टीस नहीं है दिल्ली छोड़ने का। यहाँ पर अपने लोगों के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। लोग यहाँ पर सभी लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे दिल के हैं, सब पहचानते हैं। मेरे पिताजी भी यहाँ पर बैंक में थे, तो उनके कारण भी लोग काफ़ी लोग यहाँ आसपास में भी जानते हैं, जिसके कारण बहुत अच्छा लगता है। बचपन के मित्र भी कुछ मिले जो तो आपके साथ? हाँ हाँ, उन्होंने क्या कहा? उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है, दोस्तों को भी अवसर मिलता है मेरे साथ घुलने मिलने का। और कभी कभी उनके घर में कुछ प्रॉब्लम्स आए या उनके परिवारजनों को कुछ तकलीफ़ होती है, तो वो भी आकर मिलते हैं, पूछते हैं। अच्छा लगता है कि अपने फ्रेंड्स के भी काम कुछ आ पाता हूँ। एक वहाँ का पेशेंट आप जब देखते थे और यहाँ के पेशेंट में क्या अंतर लगता है? यहाँ के पेशेंट में मुझे लगता है यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं और उनका मानसिकता भी काफ़ी अच्छा है। वहाँ पर क्या था कि पेशेंट जो रहते थे वो काफ़ी एडुकेटेड रहते थे, चीज़ों के बारे में जानते थे अच्छे से। प्लस आप कह सकते हैं आज के युग में नेट वगैरह का काफ़ी यूज़ करते थे, काफ़ी क्रॉस क्वेश्चनिंग और इस टाइप की चीज़ें होती थी। बट यहाँ पर आप पेशेंट्स इतने अच्छे हैं, उन्हें आप जो भी कहे जैसे भी कहे वो सारी चीज़ों को समझते हैं और बहुत रेस्पेक्ट करते हैं डॉक्टर्स का, तो ये काफ़ी डिफरेंस दिखता है। आप इलाज में जनरल फिजिशियन में क्या क्या देखते हैं फिलहाल हमको ये बताइए? सारी चीज़ें लगभग, जो भी बुखार के मरीज़ हो या खांसी के हो, कोरोना के भी मरीज़ को देखते हैं, डायबिटीज़ हुआ या फिर ब्लड प्रेशर, जनरल जितनी भी बीमारियां हैं सारी चीज़ें देखते सबसे हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ के अभी तक जितने देखे सबसे ज़्यादा क्या है? मतलब आपको लगा क्या अभी सबसे? अभी जैसे मौसम के हिसाब से बीमारियां होती है, अभी के मौसम में खासकर सर्दी खांसी हुई, बुखार हुई या फिर पेट का दस्त दस्त वगैरह हुआ, ऐसे मरीज़ ज़्यादा आते हैं। लेकिन इन जनरल डायबिटीज़ के भी काफ़ी पेशेंट है और हाइपरटेंशन के भी, बीपी बढ़े हुए यहाँ पर ज़्यादा लोग। अभी मतलब अगर इस सब से बचने के लिए क्या मतलब आप सलाह देंगे? देखिए एक मौसम में मौसम का करवट बदल रहा है, देखिए दिन में गर्मी लग रही है, गर्मी महसूस हो रहा है जबकि रात में ठंड भी महसूस हो रही है, ऐसे में क्या मतलब? ऐसे में सर्दी खांसी वगैरह से बचने के लिए आपको ज़रूरी है कि गर्म पानी पिए, या फिर इसके अलावा बहुत सारी सप्लीमेंट्स आती है कुछ कुछ, वो आप ले सकते हो, विटामिन्स वगैरह अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, ताकि आपको किसी तरह का भी इन्फेक्शन ना हो। हल्का भी इन्फेक्शन होने से वो बढ़ सकता है और आपको ज़्यादा परेशानी हो सकती है।
हम आपको लगातार बता रहे हैं फिर एक बार कि ये शिशिर कुमार सिन्हा डॉक्टर हैं, ये इनका नेटिव प्लेस ये पलामू में पले बढ़े, पढ़ाई की शिक्षा भी यहाँ से कुछ हासिल की और बाद में बाहर में जाकर शिक्षा लिया। आज दिल्ली के दिलसाद गार्डन में गुरु तेग बहादुर मेमोरियल अस्पताल में एज ए फिजिशियन कार्यरत थे। फिलहाल इन्होंने फैसला लिया कि डाल्टनगंज पहुंचकर अपने लोगों को सेवा करने का, और ये गंगा अस्पताल में अभी पहुंच चुके हैं और लगातार ये लोगों को जैसे अपना चिकित्सा कार्य देख रहे हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं। मतलब एक सवाल अंतिम में बता रहे हैं, हम लगातार आप देखते होंगे पलामू में, आपने कहा कि बहुत सारे हाइपर टेंशन के हैं या बहुत सारी बीमारियां हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या लगा या लोगों में मतलब बीमारी के मामले में, या फिर ये लगता है कि लोग अपने अपने के प्रति मतलब अपने स्वास्थ्य के प्रति जो है कॉशियस नहीं है, क्या लगता है आपको? यहाँ पर ये मैं बोल सकता हूँ कि लोग अपने स्वास्थ्य को यहाँ पर बहुत निग्लेक्ट करते हैं। कुछ कुछ बीमारियाँ हैं जिनका कोई सिम्टम्स भी नहीं होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद उनके रिलेटेड जितनी भी जांचें होती है वो करा लेना चाहिए, ताकि इन बीमारियों को हम कहते हैं साइलेंट किलर, जैसे डायबिटीज़ हुई या कोलेस्ट्रॉल हुआ या फिर हाइपरटेंशन हुआ, इन चीज़ों का लोगों को अच्छे से ज्ञान नहीं है जिसके कारण इनकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो लोगों को थोड़ा जागरूक होना चाहिए। एक 30-35 साल के एज के बाद जनरली शुगर का टेस्ट हुआ, हर साल 2-3 साल में एक बार करा लिया देखने के लिए कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं, या फिर यहाँ पर फ्री में बीपी भी ब्लड प्रेशर भी चेक होती है। तो कोई भी पेशेंट आता जाता हुआ, कुछ भी सर में अगर दर्द हो रहा हो, उल्टी जैसी लग रही हो, कुछ भी प्रॉब्लम इस तरह की आए तो आकर ब्लड प्रेशर भी अपना नपवा सकते हैं। जागरूकता मतलब यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। हाँ अच्छा, जनरली आपसे लोग क्या मतलब क्या अपेक्षा करते हैं यहाँ के लोग, जैसे कोई भी चिकित्सा मतलब अगर मरीज जाते हैं तो क्या अपेक्षा करते हैं कि डॉक्टर को कैसा मिले व्यवहार, एक मतलब कि क्या उम्मीद करते हैं आपसे, अपना भाषा बात करना चाहते हैं या मतलब आपने अपने दिल की बात कैसे मतलब उम्मीद क्या करते हैं क्या चिकित्सक? उम्मीद तो हर मरीज़ जो भी आता है वो यही करता है कि डॉक्टर से वो अच्छे से घुल मिल जाए। एक डॉक्टर का व्यवहार बहुत ज़रूरी होता है, अगर वो अच्छे से व्यवहार करे तो मरीज़ का आधा इलाज खुद ब खुद चला जाता है। तो मरीज़ जितने भी आते हैं वे यही सोचते हैं कि उनका उपचार बहुत अच्छे से हो जाए और डॉक्टर जो भी वो सोच कर आया है उसके अनुकूल जल्दी से जल्दी उन्हें ठीक कर दे। तो ये सबसे सबके दिमाग में यही रहता है। आप क्या कहेंगे जिलेवासियों से, अपने क्या बोलना चाहेंगे जिले के लोगों से? जिले के लोगों से यही बोलना चाहेंगे कि ये अस्पताल यहाँ पर खुला है, यहाँ पर नया अस्पताल है, लेकिन डॉक्टर और सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। तो आए यहाँ पर एक बार, आए इलाज कराए अपना, या कुछ भी कोई भी डाउट है या ऐसे भी है तो हम हमेशा 24/7 अवेलेबल है यहाँ पर, तो आकर हमारी सेवाएँ ले, यही बोलना चाहूँगा मैं। कहते हैं कि भगवान के बाद धरती पर चिकित्सक को ही भगवान का दर्जा दिया गया है, ऐसे में डॉक्टर बैठे हुए हैं। आप अपनी समस्या को बेझिझक कह सकते हैं, आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप निश्चित रूप से, जो गंगा अस्पताल में जिस तरह से फैसिलिटी दी गई है आप निश्चित रूप से आएँ, और अगर आपको किसी तरह की कोई मतलब इलाज में या मतलब कहीं भी कोई कष्ट हो तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें, खासकर शिशिर कुमार सिन्हा से जो जनरल फिजिशियन है, और इन्हें यहाँ चूँकि नेटिव प्लेस है तो इन्हें घुलने मिलने में भी बहुत दिक्कत नहीं होती है और यही पले बढ़े हैं, कह सकते हैं कि जीवन का बहुत सा पल यहाँ गुजारे हैं, तो ऐसे में इन्हें एक अच्छा सुखद अनुभव भी हो रहा है, और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये और बेहतर आप लोगों को सेवा दे सके। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।